हेलो एवरीवन वन नमस्कार गुड इवनिंग वेलकम ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की मुख्य परीक्षा का आज पांचवा पेपर जो हिंदी का था वो हो चुका है हिंदी का पेपर भी अच्छा था इस बार जो पेपर हुए हैं उनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सिंपल से पेपर थे कुछ था नहीं उसमें करने लायक कोई भी कर सकता था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सारे पेपर जो हैं काफी अच्छे रहे पेपर वन जैसे वन ए और वन बी तो वन ए में जो थ्री मार्कर थे इवन तीन चार चार पांच थ्री मार्कर ऐसे थे जिनको करने में समस्याएं सबको आई फिर उसके बाद पेपर टू जो आता है वो भी अच्छे लेवल का था और सबसे जो टफ आया वो पेपर नंबर थ्री आया जिसमें साइंस ये सारे जो टॉपिक थे वो देन फिर पेपर फोर हुआ उसमें केस स्टडी एक केस स्टडी तो मैंने आपको कल करा दी थी और दूसरी केस स्टडी जो कि बहुत टफ मानी गई है वो मैं आज करवा देता हूं एक बात मैंने ऑब्जर्व किया केस स्टडी को रीड करते हुए कि अभी तक देखने को मिलता था कि यूपीएससी के द्वारा बड़ा घटिया ट्रांसलेशन किया जाता रहा था घटिया ट्रांसलेशन इन सेंस कि वो क्या करते हैं कि ओरिजिनली पेपर इंग्लिश में सेट करते थे और फिर उसका लगभग गूगल अनुवाद करके हिंदी में दे देते दे थे, थे तो वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी परेशानी पैदा करता था और बिल्कुल वही पैटर्न मुझे यहाँ एम के सेथिक्स वाले पेपर में देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली केस स्टडी के संदर्भ में कि उन्होंने ये केस स्टडी कहीं से ऑरिजिनली इंग्लिश में ली और बाद में इसका घटिया ट्रांसलेशन जो है हिंदी में किया और स्टूडेंट के सामने रख दी जो भी है हमारा यहाँ पर मेन पर्पज है कि केस स्टडी जो है उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे कैसे सॉल्व करना चाहिए चलो हिंदी वाली केस स्टडी पढ़ते हैं केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आपको कम से कम दो से तीन बार उसको जरूर पढ़ना चाहिए एक। केस स्टडी है कि मैरी और टॉम अपनी छुट्टी की पहली शाम को रात को खाने के लिए बाहर जाने के लिए अपने होटल से निकल गए ना ये कोई हिंदी का शब्द तो नहीं लगता है कि बाहर जाने के लिए अपने होटल से निकल गए फिर एक आदमी पीछे से टॉम के पास पहुंचा क्योंकि वे फुटपाथ पर बत्ती बदलने का इंतजार कर रहे थे भाई कौन सी बत्ती सिग्नल देखते ट्रैफिक सिग्नल हिंदी में तो वाक्य कुछ इसी तरीके से रहते हैं ना ताकि वे सड़क पार कर सके नेक्स्ट टॉम की बाहों को उस आदमी ने अपनी तरफ से रोक लिया बाहों को अपनी तरफ से रोक लिया ये किस प्रकार की हिंदी है जिसने मैरी की गर्दन पर एक हाथ भी लपेटा टॉम के खुद को मुक्त करने के प्रयासों के बावजूद एक युवा महिला ने जल्दी से उठाया और जल्दी से जल्दी से उठी और जल्दी से मैरी का पर्स टॉम का बटुआ उसके हाथ से चुरा लिया टॉम ने भागने के दौरान दोनों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वे एक छोटी सी सड़क से गायब हो गए टॉम और मैरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था लेकिन मैरी डरी हुई थी उसका दिल धड़कने लगा वह कांपने लगी और उसने रोना शुरू कर दिया टॉम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वे अपने होटल के लिए उसी मार्ग से लौट आए लगातार अपने आसपास के वातावरण को देखते रहे मैं थोड़ा इसको धीमे धीमे पढ़ रहा हूं क्योंकि इसी से हमें अपने आंसर निकालने हैं होटल की लॉबी में वापस उन्होंने पाया कि मैरी अभी भी कांप रही है जब टॉम और मैरी ने रिसेप्शनिस्ट को बताया क्या हुआ हाँ वह है हैरान था और पुलिस को फोन करने से पहले उन्हें पेय की पेशकश की गई अब पे कहाँ लिखते हैं है ना तो इस तरीके का ये अनुवाद किया गया कि पेशकश की जब पुलिस का इंतजार कर रहे थे मैरी कांपने लगी और बेचैनी महसूस करने लगी जब पुलिस दिखाई दी तो मैरी और टॉम को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोम के पुलिस स्टेशन केंद्र में ले आए जैसे ही वे अपने होटल वापस आए अस्थिरता कम होने लगी और इसके बजाय हर कोई परेशानी महसूस करने लगा कि उन्हें हमले के लिए निशाना बनाया गया था टॉम ज्यादा सोचने या बोलने में असमर्थ था टॉम ने आराम किया जब वे अपने कमरे में वापस आ गए और बिस्तर पर सो गए हालांकि मैरी सो नहीं पा रही थी रात का अधिकांश समय जागते हुए बिताती थी अपने सिर में घटनाओं को दोहराती थी भले ही मैरी और टॉम शारीरिक रूप से बिना किसी नुकसान के थे लेकिन वे दोनों तनावपूर्ण परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रिया कर रहे थे ये है भाई दूसरी केस स्टडी केस स्टडी की लैंग्वेज से लगता है कि केस स्टडी बड़ी अजीब गरीब प्रकार की पूछी गई जनरली होता क्या है कि केस स्टडी जो पूछी जाती है उसमें अधिकांश केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को खोजा जाता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दिखाया जाता है आप प्रीवियस ईयर की केस स्टडी भी देखोगे तो भी बहुत इजी ईजीसी थी खैर अब क्वेश्चन पहला है पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भावनाएं जटिल चीजें हैं मैरी इतना गुस्सा और डरी हुई क्यों थी इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स हाउ डिड मैरी फील सो फ्यूरियस एंड अफ भाई इसका आंसर देना है केस स्टडी मुझे तो एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आई थी तो मैंने उसको तीन बार पढ़ा उसके बाद जाकर के फिर उसके आंसर देने की कोशिश की तो यहां पांच क्वेश्चन है उनके आंसर देते हैं तो क्वेश्चन ये है कि भावनाएं यानी वो पूछते हैं कि इमोशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जटिल प्रकार के होते हैं अब उसमें जो मैरी थी वो इतना गुस्सा और डरी हुई क्यों थी तो आपको ये पॉइंट पकड़ना है कि यहाँ पर इमोशंस भी देखना है मैरी को गुस्सा क्यों आया था डर क्यों लगा था उसके साथ जो घटना हुई कि कोई उसको उसके आ, आ, मतलब हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है प्लस उसका जो पर्स था उसको भी चुरा के ले गया तो ये कारण रहे होंगे बस उसी को हमें शब्दों के रूप में अच्छे सेंटेंस के रूप में लिखना है तो मैरी और टॉम की इस केस स्टडी से यह समझा जा सकता है कि उन्होंने एक घातक है ना आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो अभिशाप युक्त सिंपल शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हो घटना का सामना किया उन्हें भय और क्रोध का सामना करना पड़ा मैरी डरी हुई थी क्योंकि उसके साथ एक अजनबी ने उसकी परेशानी और चिंता के समय उसका परिचय नकारात्मक ढंग से करवा दिया यानी यह या नकारात्मकता को बढ़ा दिया उसके गले को मारने की कोशिश की अब किसी फीमेल किसी अनोन पर्सन कोई उसके गले में हाथ डालेगा तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती वो तो ये घटना कृत्य करके चला गया लेकिन वो फीलिंग जो है वो उसे जब भी वो पल याद आएगा तो उसे हमेशा डराएगी महसूस कराएगी यानी आत्मसम्मान से वंचित किया गया था जो उसे डरावना महसूस करवा यह घटना उसके लिए भयानक और बुलाने लायक थी ठीक है और आगे लिख सकते हैं कि टॉम को भी इस घटना से गुस्सा आया था वो भी डरा हुआ था आप मैरी के साथ उसको भी जोड़ सकते हो क्योंकि उसका भी पर्स लूट लिया गया था ठीक है तो उसे भी चिंता हुई उसने कोशिश की थी कि वो पकड़ सके लेकिन इस स्थिति में नहीं थे क्योंकि वो तुरंत एक पतली गली में गायब हो जाते हैं तो वो तनावग्रस्त स्थिति में उसे महसूस कर तो ओवरऑल अब हमें फाइनली ये लिखना है कि इस केस स्टडी में दिखाई गई जो भावनाएं हैं इमोशंस जिनके बारे में पूछा है ना कि जटिल होते हैं तो इमोशंस जो है ह्यूमन नेचर का पार्ट है पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर यानी ये मानवीय प्रकृति का हिस्सा है इसमें हमें क्रोध भी आता है हमें डर भी सताता है हम चिंतित भी होते हैं हम अनस्टेबल भी होते हैं हमारा जो मन है वो स्विंग भी करता है तो ये सब चीजें जो भाव है ये सब इमोशंस के रूप में आते हैं तो इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेशन है ना जैसे समझना एक छोटा सा पॉइंट है कि यदि कोई आपको मारता है तो भी आप रोने लगते हो और यदि आप बहुत अधिक खुश होते हो तो भी आप रोने लगते हो यानी यहाँ पर रोना आंसू निकलना हम कहते हैं ना ये खुशी के आंसू हैं ये गम के आंसू नहीं है तो ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड चीज जो भी लोग इस तरह की घटनाओं का सामना करते हैं उन्हें इन भावनाओं को समझना होता है और उन्हें उस सही तरीके से उसका सामना करना पड़ेगा इस प्रश्न का एक मॉडल आंसर जो है वो हो जाता है अपनी सुविधा अनुसार कुछ दो तीन लाइनें आप इसमें कर सकते हो एक दो चाहो तो हटा भी सकते हो पहला क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो दूसरा क्वेश्चन पूछा इसी केस स्टडी के संदर्भ में कि भावनात्मक अनुभवों के शारीरिक और मानसिक घटक एक दूसरे के साथ अंत क्रिया कैसे करते हैं ठीक है हाउ डू द इमोशनल एक्सपीरियंस फिजिकल एंड मेंटल कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना इस पेपर फोर में एथिक्स संबंधित तो ये उसी से जुड़ी हुई है केस स्टडी। तो यहाँ पर जो इमोशंस हैं उन जो भावनात्मक अनुभव हैं तो हमारा एक फिजिकल होता है एक मेंटल होता है ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे अंतर क्रिया करते हैं इस केस स्टडी के हिसाब से आपको रिप्लाई करना है कर पाओगे अरे कमेंट बॉक्स ओपन है कुछ तो लिखो हाँ ना कोशिश करो लिखने की ठीक है ये जितना भी मैं मॉडल आंसर बता रहा हूँ वो आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल है वहाँ जाकर देख सकते हो और यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं पसंद आती हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक करो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे तो शेयर भी कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ये रहा हमारा एडवर्टाइजमेंट तो भावनात्मक अनुभवों के शारीरिक और मानसिक पहलू एक दूसरे के साथ अंत क्रिया कैसे करते हैं तो भावनात्मक अनुभव के शारीरिक और मानसिक पहलू दोनों के साथ बड़े गहरे रूप में जुड़े हुए अब चूंकि इस केस स्टडी में टॉम एंड मॉरी का मैरी का उदाहरण लिया है तो हम भी इसका कहीं ना कहीं इनपुट लेंगे तो मैरी और टॉम के मामले में या इस प्रकरण में हम देख सकते हैं कि भावनात्मक और शारीरिक पहलुओं के बीच इस प्रकार का एक अंत संबंध है।, है ना नेक्स्ट क्या संबंध है अब उनको आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हो फ्रीडम है आपकी बस ये है कि टाइम का ध्यान रखो थोड़ा सा जो स्पेस मिल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ मेरे पास तो काफी स्पेस है अपनी सुविधा अनुसार तो मैंने चार पॉइंट लिए हैं बट आप दो तीन में खत्म कर सकते हो तो पहला शारीरिक प्रतिक्रिया फिजिकल रिएक्शन रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं कि जब कभी भी खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं जैसे टॉम एंड मैरी ने यहाँ पर किया तो उनमें डर और चिंता का अनुभव हुआ तो डर और चिंता जो है ये क्या था तो मेरी का जो हृदय था वो तेजी से धड़कने लगा वह कांपने लगती है है ना कपकपी महसूस करने लगती है टॉम की मनोस्थिति कैसी थी उसका उसका भी हवाइयां उड़ने लगी थी यानी चेहरा सफेद हो गया था तो ये सब चीजें तो ये क्या है ये है शारीरिक प्रतिक्रियाएं यानी या तो आप लड़ो सामना करो या फिर भाग जाओ इसी तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि या तो हम उसका मुकाबला करें या उस स्थिति से बचने के लिए दूर चले जाएं तो यह कैसे आती है जब कभी हम खतरे का अनुभव करते है ना तो एक शारीरिक प्रतिक्रिया को एक्सप्लेन कर दिया अब मानसिक प्रतिक्रिया क्या अलग है इंडिविजुअल है तो मानसिक प्रतिक्रिया को समझ लो कि भावनात्मक अनुभव ने उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर डाला मैरी डर का अनुभव करती है रोने लगती है टॉम जो था वो भी शॉक्ड हो जाता है यानी उस पर भी आघात पड़ता है टेंशन में आ जाता है और वह भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है इवन अपनी बात कहने में इनकेपेबल हो जाता है उसके मन में भी वही सारा जो कुछ घटित हुआ था वो बार बार चलता होगा तो जब वह बार बार चलता है तो दूसरी चीजों पर उसको ध्यान देने में परेशानी आती है ये मेंटल वाला पार्ट हो गया ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जब हम चिंतित होते हैं जब हम तनावग्रसित होते हैं तो वैसे ही हमारा शरीर भी तो क्रियाएं करता है उसी हिसाब से हमारी हार्ट बीट इसी हिसाब से हमारे बॉडी के द्वारा इनहेल करने की दर ये सब चीजें उसी तरीके से जो हार्मोन्स का रिलीजन है वो भी होने लगता है मतलब हार्मोन्स रिलीज जो होते हैं उसी तरीके से है ना अब दोनों के संयोग को लेकर के यानी शारीरिक और मानसिक तो मैरी का डर और चिंता उसके शारीरिक लक्षणों को लक्षणों जैसे काप, कप या इसके संबंध में आती है वैसे ही टॉम को जो शॉक लगा तो वो भी उसके चेहरे के रंग के रूप में सामने आता तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं है ना तो मैरी का डर और चिंता उसके शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावित करती है शारीरिक तंद्रा अस्वस्थता ने उनकी भावनात्मक तनाव को भी अधिक ऐसे करके आप इसको खत्म कर सकते हो तो सारांश रूप में प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भावनात्मक अनुभव शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं इसलिए वो एक दूसरे से एक दूसरे से अंत संबंधित है प्रकाश जी नमस्कार ओके तो इसका आंसर मिल गया होगा चलें अगले क्वेश्चन की ओर इस केस स्टडी में अगला क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा अच्छा सा है कि यदि आप टॉम और मैरी की स्थिति में होते तो आपके मन में क्या भावनाएं होती अपने विचारों का उल्लेख की वाट फीलिंग वुड यू हैव हैड इफ यू हैड बीन इन टॉम एंड मॉरी मैरिज पोजिशन मैं वाह बनाने वाला तो बहुत अच्छा है टॉम एंड मैरी के साथ जो हुआ उस स्थिति में अब अपने आप को रख करके आपको उसका वर्णन करना है कि मैं ये करता तो टॉम एंड मैरी की स्थिति में होने पर मुझे भी संघर्षशील भावना महसूस होती आखिर आप भी ह्यूमन है अब आप यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे इसका आंसर देते समय अतिशयोक्ति में बह जाएंगे अरे मैं तो प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा हूं मैं तो नहीं डरता मेरा तो एम है कि मैं डीएसपी बनू मैं तो उसको पकड़ देता गर्दन से उठा करके नीचे तरीके से आंसर नहीं देने हमें बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल वे में चलना है कि जैसे टॉम एंड मैरी थे बस उसी रूप में आपको आंसर करना है आप यहाँ कोई विशेष नहीं हो जाते आप किसी शक्तियों के वशीभूत नहीं हो जाते तो यहां संघर्षशील भावना महसूस करते डर आपको भी होता चिंता आप भी महसूस करते ठीक है क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी जो आपने नहीं चाही थी ये तो अनवांटेड थी अचानक हुई थी और ये रिस्की भी थी जोखिम थी जिसमें दूसरे व्यक्ति ने अचानक से धक्का दिया सामान ले गया तो इससे आपका मन पर जो कंट्रोल था वो नहीं हो सकता मन पर कंट्रोल इन पोजिशन के लिए नहीं होता है ना और दूसरी बात कि यहां हम अपनी दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते अगर हम उस स्थिति में होते दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप एक यही नहीं कि नकारात्मक है दूसरी तरफ यहां ये भी कह सकते हैं कि हाँ एक बात यह जरूर थी कि जो चीजें उन्होंने की उस सिचुएशन में वो कोई भी एक सामाजिक प्राणी करता एक जेंटलमैन करता क्या करता भाई पुलिस को रिपोर्ट करता ठीक है ना तो यहां पर वो सारी चीजें थी वो भी आप लिख सकते हो कि मैं भी वही करता स्वयं को मैरी को या जो भी है उसको सांत्वना देता उसको हिम्मत देता ठीक है उस घटना से सीख लेता अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही खतरनाक टाइप का पूछ दिया हाउ डज द पैरासिमेथेटिक पैरासिपेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प बॉडी टू रिलैक्स ऐसा लग रहा है कि ये जो है इस एथिक्स में केस स्टडी जो इसने दी है वो या तो साइकेट्रिस्ट बना देगा या खुद साइकेट्रिस्ट होगा तो पैरासिम्पेटिक तंत्रिका तंत्र शरीर को आराम करने में कैसे मदद करता है तो सिंपल सी बात है ये एक प्रकार से हमारा जो नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है उसमें ये विशेष रूप से ये हेल्प करता है यानी इसका काम ही है शरीर को रिलैक्स पहुंचाना यानी हमारी बॉडी में सामान्य गतिविधियों को बैलेंस करना उनको स्टेबलाइज करना उस सब में ये सहायता पहुंचाता है।, है ना तो जब हम कभी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हमसे क्यों कहा जाता है कि लंबी लंबी ब्रीद लो इससे ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे उस तनाव के स्टेज से निकालने लगती तो से निकाल कर उसे सामान्य रूप से सक्रियता में ला देता है जिससे व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता है तो इस केस स्टडी के अनुसार जो हुआ कि वहां क्या हुआ पुलिस ने रिसेप्शनिस्ट ने जब पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने उन्हें रोम के पुलिस स्टेशन में बुलाया उनकी रिपोर्ट ली जब पुलिस उनकी रिपोर्ट ले लेती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो बॉडी में वो एक फील आता है कि हाँ अब हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है जो भी अपराधी थे आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे तो ऐसी स्थिति में एक सिक्योरिटी का भाव आता है सुरक्षा का भाव आता है इस कारण से पैरासिम्थेटिक तंत्रिका तंत्र शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स देने लगता है फिजिकली भी और मेंटली तो ये कैसे मदद करता है क्योंकि इसका एक ना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये गुण है तो ये पांच क्वेश्चन में संदर्भ में यह बताएं कि दो भिन्न व्यक्ति एक स्थिति में कैसा व्यवहार करते यानी दो अलग अलग पर्सन है सिचुएशन एक ही जैसी है तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और ये आपको बताना है इस केस स्टडी के आधार डिस्क्राइब हाउ डू टू डिस्टिंग इन द सेम कंडीशन विद रेफरेंस टू तो यहाँ पर टॉम है एक मैरी है एक मेल है एक फीमेल है दोनों के साथ इंसिडेंट एक जैसा हुआ लेकिन दोनों के साथ जो घटनाएं थी जो मैरी थी वो डर गई थी कांपने लगी थी टॉम था हवाइयां उड़ने लगी बट वो चाहता था कोशिश कर रहा था कि पकड़ लें तो वही सब चीजें हमें यहाँ लिखनी है तो इस केस स्टडी के संदर्भ में या प्रस्तुत प्रकरण को देखने पर हम अलग अलग प्रकार का व्यवहार देख सकते हैं सामान्यतः है। जैसा व्यवहार भी हो सकता है डिपेंड करता है लेकिन ऐसी स्थिति में व्यवहार अलग अलग होता है और वास्तविकता यही है कि एक ही घटना का लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है जैसे अभी चंद्रयान थ्री छोड़ा गया हमारे देश में कई सारे लोग खुश हैं इस अचीवमेंट से कुछ ऐसे भी Uh, कुछ लोग हैं जो इसको पैसे की बर्बादी बताते हैं बोला क्या करेंगे देश में गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं और चंद्रयान कर रहे हैं तो एक घटना का असर होता ही है तो पहला है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर यानी उसकी पर्सनलिटी पर असर तो एक व्यक्तित्व तो, एक व्यक्ति मैरी है और दूसरा यहाँ पर टॉम है तो मैरी भावनात्मक और संतुलित व्यक्तित्व तो रखती है जबकि दूसरा व्यक्ति टॉम है जो कठिनाइयों से निपटने में कम संवेदनशील हो सकता है तो मैरी ने यहाँ पर जो रिफ्लेक्स दिया यानी जो रिएक्शन आया वो इमोशनल था यानी भावनात्मक चीजें ज्यादा थी ठीक है जबकि टॉम की प्रतिक्रिया जो थी वो कंट्रोल्ड नहीं थी यानी वो चाहता था कि मैं भागकर दौड़कर उसे पकड़ लूं तो यहां पर दोनों के ऊपर अलग अलग प्रकार से उस घटना ने प्रभाव डाला व्यक्तित्व के हिसाब से आपने लिख दिया दूसरा स्थिति के प्रभाव पर भी जा सकते हैं कि व्यक्ति की स्थिति पर भी उनके व्यवहार में अंतर हो सकता है जैसे यहाँ टॉम और मैरी दोनों संकटमय स्थिति में थे लेकिन उनकी रिएक्शन और उनके एक्सपीरियंस अलग अलग टॉम को बाद में शांति और आराम मिला जबकि मैरी रात भर तनाव में रही और उन घटनाओं को बार बार दोहराती रही ये सब केस स्टडी में था तो इससे ये सिद्ध हो जाता है या यह प्रूव हो जाता है कि एक ही स्थिति में व्यक्तित्व प्रकृति अनुभव और भावनाएं व्यक्ति के विभिन्न कारकों से प्रभावित इसलिए व्यक्तियों के बीच में अंतर होना सामान्य तो ये मॉडल आंसर है इनको और इम्प्रूव करके आप और अच्छा कर सकते हो अगर ऐसा भी लिखते हैं तो भी हमें बहुत अच्छे नंबर मिलते so, finally, ये आज की केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगले अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपको पसंद आता है तो जरूर करना चाहिए नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं शेयर करें आप आजकल तो आप भी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हैं और नेक्स्ट आपका कोई डाउट है आपकी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप हमसे नोट्स ले सकते हैं हिंदी में ले सकते हैं पीटी के यानी प्रिलिम्स के आप मेंस के भी नोट्स ले सकते हैं आप इंग्लिश में भी नोट्स ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ और हार्ड कॉपी दोनों में आज इस वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं अलग अलग सेक्शन उसमें आप जा सकते हैं तो अभी के लिए इतना थैंक यू